नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो मैं कल के लिए मतलब सॉरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 4, 5, 6 तारीख के सोमवार 6 तारीख के लिए 6 जनवरी 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो इसमें आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। बाई सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब मैंने देता हूँ। तो बाई सेल तो ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और चार्ट का सेटअप, बहुत सारा चार्ट का सेटअप है और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो ये आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट बना है ये ऊपर से अप ट्रेंड जाके ये अभी नीचे एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। आप लोग देख सकता है इस रेंज से, ये 300 का रेंज से ये 12120 तक ये रेंज अभी तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। इसका 12120 जो 120 का जो रेंज था ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इधर इसके अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। कल का देखिए इधर जो ये एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था लेकिन इधर 300 के ऊपर फिर से नहीं गया पाया, ये आज फिर से डाउन में आ गया है। और इधर थोड़ा सा हैंगिंग मैन बोल सकता है या कुछ बियरी सरामी कुछ भी बोल सकता है, इसको हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही जाएगा। इसका जो हाई लो रेंज ब्रेकआउट, इसका जो हाई लो ये एक दिन का अंदर रह गया, जो मतलब इधर जो अगला दिन का जो कैंडल है उसका अंदर ये रह गया। तो इसका रेंज जब ब्रेकआउट होगा तो अभी ये कुछ हो पाएगा। मतलब इसका रेंज जो है मतलब 12289 और 12195 इसका रेंज वैसा ब्रेक होगा तो ये कुछ आ सकता है। मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ कन्फर्मेशन हुआ क्या नहीं हुआ। लगता तो है ये अगला दिन का कैंडल का अंदर है, इसमें तो नहीं आया है लेकिन तो इसका जो एक्चुअली इसका लो ज़्यादा हो गया, इसका लो कम होना चाहिए इस कैंडल का लो, इसीलिए इनसाइड द वन डे का इनसाइड द वन नहीं आया है। तो ठीक है, तो इसका जो चार्ट का पैटर्न है अभी ये 61.8 38.2% से रिस्टेस होकर ये 61.8% को क्रॉस किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इसका ऊपर हो गया। तो ये थोड़ा सा हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न ये बना है। और इधर 61.8 मतलब 12192 के नीचे ये आ सकता है 12156 तक, उसके बाद ये 12100 उसके बाद 12070 तक आ सकता है। तो अभी जो फिलहाल जो है ये कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाने का चांसेस इसका कम है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कंसोलिडेशन होके ये लगता है ये नीचे ब्रेकआउट होने वाला है। और निफ्टी क्यों ऐसा बोलता हूँ वो भी आप लोग को बाद में बताता हूँ। हम लोग निफ्टी बैंक का भी दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक को भी इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर जो चार्ट का पैटर्न बना है इधर ये भी एक हैंगिंग जैसा पैटर्न, हैंगिंग मैन जैसा या बियरिश हरामी जैसा या आप लोग इसको क्या बोलता है पेपर अम्ब्रेला भी बोल सकता है, उसका भी जैसा पैटर्न ये बना है। और इधर ये 50% के इधर 38 से 50% में ये क्रॉस हो रहा है। इधर 61.8% ये क्रॉस करेगा मतलब 31834 के नीचे ये 31370 के नीचे आ सकता है। अभी फ़िलहाल तो 300 के अंदर रह गया और 31962 मतलब 300-400 पॉइंट के 350 पॉइंट आज गिर चुका है। तो 500 के ऊपर नहीं जाने 500 के ऊपर गया नहीं पाया। तो इधर ऐसा होने का चांसेस भी है और भी नीचे ब्रेकआउट देने दे सकता है। तो इधर मैंने देखिए इधर जो
या इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर गया है, इंडिया विक्स मतलब इंडिया विक्स नीचे ही है, 12-10 से 12 का है। ये एक गुड साइन है कि इसका ये इसका ये ऊपर जाने का, लेकिन इंडिया विक्स और भी 15 के ऊपर भी हो सकता है। अभी तो 10 से ऊपर गया है, लेकिन ये जो पी और पीबी का रेशियो आप लोग देख सकता है निफ्टी का, मैंने दिसंबर महीना से जनवरी महीना तक लिया है, तो इधर देखिए कभी भी ये 28 और 27 के बीच में रह गया। और पी रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और मतलब अनफेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ पीबी रेशियो जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जब सोच लीजिए प्राइस और अर्निंग इसका तो मतलब जो प्राइस है और इसका जो अर्निंग होता है, तो इसका प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है, तो मतलब इसका इसीलिए इसका ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत सारा इसका रीजन हो सकता है। लेकिन जब इसको बुक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ये देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू इसका रेशियो 3.77, मतलब बुक वैल्यू से ये 3.77 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब ये ओवर वैल्यूड है। तो इसीलिए ये जो ऊपर जा रहा है ये फेक टेक ऊपर अप ट्रेंड दिखा रहा है, एक फेक अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी, इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 28 के आप लोग देख सकते हैं थ्रू आउट द दिसंबर महीना में ये 28-27.95 के नीचे ऐसे में ट्रेड कर रहा है, ये एटलीस्ट 20 के ऊपर होना है तब भी ये बोल सकता है कि ये निफ्टी रैली करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, तो अभी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ऑप्शन चेन देखूंगा तो इधर निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसमें कल का ये जो लेवल था, कल का जो पीसीआर रेशियो था उस 1.50 1.59 के नीचे ही आज 1.16 के पास पास आ गया है। इसका 12,300 में इसका 12,400 रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है 12,300 में। कॉल साइड में ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर 12,100 में इसका 12,200 में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट था, इधर 12,100 में सपोर्ट बन चुका है, और इधर भी ये इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं 426,000 और इधर 293,850, मतलब इधर ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इधर अभी पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप होने का मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का जब अब मैंने देखूंगा तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1 से कम है, और इधर इधर सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है 32,500 में। और ए बे नोट आई भी आप लोग निफ्टी में का भी आई भी आप लोग देखेंगे तो मतलब रिमार्केबली कम हुआ है, मतलब 8 के नीचे हो चुका है, मतलब जो 10-12 था उसके बाद अभी 8 के नीचे हो चुका है, ये भी एक उसके साथ प्राइस भी गिरता है, तो ये दर्शाता है जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो भी नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर जो और कॉन्सोलिडेशन हो सक कॉन्सोलिडेशन फर्स्टली तो कॉन्सोलिडेशन होता है होगा, उसके बाद नैरो रेंज जो ब्रेकआउट होगा तो नीचे ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होगा ऐसा लगता है। तो इधर भी आई बी भी बहुत बैंक निफ्टी का भी आप लोग देख सकते हैं इधर, और आई बी भी बहुत कम हो गया है, और इधर 12,31,500 में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, इधर इधर लॉन्ग बिल्डअप है, ये थ्रू आउट द ऑप्शन चेन लॉन्ग बिल्डअप है, और इधर थ्रू आउट द ऑप्शन चेन कॉल साइड में थर्ड शॉर्ट बिल्डअप है, तो इधर आप लोग को नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दर्शाता है। तो इधर देखिए मैंने जो प्रोबेबिलिटी का दिखाया था हो, तो ये इस 6 डेज का एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अप ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, जो इसके इंटरप्रिटेशन ऑप्शन चेन चार्ट और बहुत सारा चीज़ के साथ किया जा सकता है। तो